खबर जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से है, जहां एएनटीएफ यूनिट और रामपुरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बाइक सवार नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने चरस तस्कर के कब्जे से 1 किलो से अधिक चरस बरामद की है। इसके तहत ही एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि रामपुर रोड पर झा कॉलेज के पास चेकिंग की जा रही थी, उसी दौरान बाइक सवार चरस तस्कर पुलिस को देखकर भागने लगा। वहीं जब पुलिस को उस पर शक हुआ तो घेराबंदी कर आरोपी तस्कर को पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक नशा तस्कर से 1 किलो 10 ग्राम चरस बरामद की गई। इसके तहत ही पुलिस ने आरोपी नशा तस्कर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। ये लगातार क्षेत्र में अवैध रूप से चरस की बिक्री की सूचना आ रही थी, तो हमारी टीमें काफी समय से इस प्रकरण में काम कर रही थी, लेकिन इसमें जो है एक बड़ी सफलता हमारी टीम को मिली इसमें, और इसमें पर्यवेक्षण जो है एएसपी मैडम जो रुद्रपुर हैं वो कर रही थी, और साथ में इंस्पेक्टर धीरेंद्र जो रुद्रपुर कोतवाल हैं, और साथ में एसओजी के इंस्पेक्टर संजय पाठक, एएनटीएफ के कौशल भावकनी, इनके नेतृत्व में टीमें काम कर रही थी। तो इनको एक बड़ी सफलता इसी दौरान मिली, जब हमने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जिससे हमने 1 किलो 10 ग्राम अवैध चरस हमने बरामद की है, और इस बरामदगी से निश्चित रूप से क्षेत्र में जो अवैध नशे की समस्या है उसको अंकुश लगाने में हमें कामयाबी मिलेगी, और इसमें हमारी टीम ने बहुत ही प्रोफेशनली काम करते हुए ये हमें सफलता इसमें मिली है, और पूरी टीम को एसएसपी सर के द्वारा 2500 रुपये के नगद इनाम की घोषणा की गई है, और हम इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज भी हम लोग बता दें कि कहाँ से ला रहा था, कहाँ को ले जा रहा था, किसे बेचने वाला था। इसमें एक तथ्य और बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमने अरेस्टिंग की है ये शंकर पुत्र दीवान सिंह जो है, इसका रियल ब्रदर जो है पहले भी तरह की बड़ी क्वांटिटी में पकड़ा जा चुका है, तो ये इनके फैमिली की